एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY402 कलेक्शन 22 द साउंड परसेप्शन। इसी के बारे में ही हम 21 में भी बात कर रहे थे कि परसीविंग साउंड को किस तरह परसीव किया जाता है और लाउडनेस क्या होती है, कि एक ऐसी क्वालिटी जो मोस्टली क्लोजली रिलेट करती है एम्पलीट्यूड को या साउंड प्रेशर को, ठीक है, जिसको लेवल ऑफ एन ऑडिटरी स्टिमुलस भी कहा जाता है। और इसे डिसेबल्स किया जाता है फिजिकल मैयर के साथ, वेयर एज लाउडनेस इज साइकोलॉजिकल होती है। और इसमें लाउडनेस ऑफ 1000 हर्ट्ज टोन एज अ फंक्शन ऑफ द इंटेंसिटी होती है, जो डिटरमाइन करती है मैग्नीट्यूड की एस्टिमेशन को इस्तेमाल करते हुए। पिच एक परसेप्चुअल क्वालिटी है जो कि किसी भी साउंड की या ऑडिटरी की हाई या लो को के एट्रीब्यूट को डिफाइन करती है। लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो एसोसिएट होती हैं लो पिच के साथ, एंड हाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज एसोसिएट होती हैं हाई पिच के साथ। टोन हाइट एक परसेप्चुअल एक्सपीरियंस है ऑफ इंक्रीजिंग पिच का, दैट अकंपनीज टू इंक्रीज इन द टोन्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और टिम्बर की बात हो रही है, टिम्बर क्या होता है कि टाइम्बर इज द क्वालिटी है जो कि फर्क करती है बिटवीन टू टोन्स के दरमियान। बेशक वो सेम ही लाउडनेस पे हो, उनकी पिच सेम हो, उनका ड्यूरेशन सेम हो, लेकिन फिर भी उनमें डिफरेंस जो है वो आपको पता चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक तरफ फ्लोट है और दूसरी तरफ बसून है, आपको उन दोनों में, उनकी दोनों की साउंड में, अगर वो बेशक एक साथ प्ले हो रहे हैं, उनका लाउडनेस उनकी सेम है, पिच सेम है, फिर भी आप उनमें डिफरेंशिएट आप कर लेंगे कि ये किसकी आवाज़ है और ये किस इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द एयर को देखते हैं हम। द एयर का जो स्ट्रक्चर है ये हम 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और द एयर ऑडिटरी सिस्टम है जो कि 3 बेसिक टास्क पर मुश्तमिल होता है। द फर्स्ट इज के ये डिलीवर करता है साउंड स्टिमुलस को रिसेप्टर्स की तरफ। सेकेंड इज के ये ट्रांसड्यूस करता है स्टिमुलस के प्रेशर चेंजेस को, जो कि फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं। और थर्ड, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोसेस करता है। डिवाइस दैट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रेप्शन सम इंजीनियस प्लम्बर हैज पुट टुगेदर फ्रॉम स्पेयर पार्ट्स। ये एयर के बारे में, ऑडिटरी सिस्टम के बारे में डियाने ने स्टेटमेंट्स दी थी। द आउटर एयर जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि हेल्प करती है डिटरमाइन करने में द लोकेशन ऑफ द साउंड, कि आपकी साउंड की लोकेशन क्या है, आपको किस तरफ से आवाज आ रही है। अगर कोई आपको आवाज देता है तो आप फौरन उसी तरफ से, उसी सिमत से मुड़कर उसे देखते हैं, आपको पता चलता है कि आपके लेफ्ट एयर में, अगर कोई आपको लेफ्ट साइड से आवाज देगा तो आपके लेफ्ट एयर में आवाज पहले जाएगी, जिसकी वजह से आपको फील होगा, आप ये जान सकेंगे कि आपको किस तरफ से आवाज आई है, आपकी साउंड की लोकेशन क्या थी। साउंड वेव्स फर्स्ट पास थ्रू द आउटर एयर, पहले वो आउटर एयर से पास करती हैं जो कि पाइना एंड ऑडिटरी कैनाल पर मुश्तमिल होता है। ये सब MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किए हुए हैं। ऑडिटरी कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्ट्रक्चर होती है जो 3 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है इन एडल्ट्स में, जो कि प्रोटेक्ट करती है डेलिकेट स्ट्रक्चर को ऑफ द मिडल एयर के फ्रॉम द हैजर्ड्स ऑफ द आउटसाइड द वर्ल्ड। रेजोनेंस अकर होती है इन द ऑडिटरी कैनाल में जब साउंड वेव जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर क्लोज एंड पे जाती है ऑडिटरी कैनाल के, और फिर इंटरेक्ट करती है साउंड वेव्स के साथ एंड देन उसे इंटर करती है कैनाल में। मेजरमेंट्स ऑफ द साउंड की जो है वो प्रेशर इनसाइड द एयर इंडिकेट करता है रिजोनेंस को, दैट अकर इन द ऑडिटरी कैनाल हैज अ स्लाइट एम्पलीफाइंग इफेक्ट, जो कि फ्रीक्वेंसी उसकी होगी 1000 हर्ट्ज से 5000 तक। द फ्रीक्वेंसी रीइंफोर्स्ड जो हो रही होती है इस सब इंट्रक्शन में, सब सिस्टम में, उसको कहा जाता है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैनाल। फंक्शन क्या है इनर एयर के, तो सबसे पहले मिडल एयर की बात हो रही है कि जब एयरबोर्न साउंड वेव टाइम्पोनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचती है, जो कि ऑडिटरी कैनाल के एंड पे मौजूद होती है, और ये रिसेट इनटू द वाइब्रेशंस, और फिर इन वाइब्रेशन को ट्रांसमिट कर दिया जाता है इन द मिडल एयर में। और द मिडल एयर जो है कि एक स्मॉल कैविटी है, अबाउट 2 क्यूबिक सेंटीमीटर्स होता है इसका वॉल्यूम, जो कि सेपरेट करती है आउटर एंड इनर लेयर को। और इसकी कैविटी जो है वो ओसिकल्स पर मुश्तमिल होती है, जो कि 3 स्मॉलेस्ट बोन्स है हमारी बॉडी में। द फर्स्ट बोन जो है वो मेलियस है, जिसको हैमर कहा जाता है। और उसके बाद जो 3 बोन्स होती है द मिडल एयर की, ये ट्रांसमिट करती हैं द वाइब्रेशन ऑफ द टाइम्पोनिक मेम्ब्रेन को इनर एयर में, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था कि टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन में आएगी, और उसके बाद जो 3 बोन्स हमने पढ़ी वो फिर इन्हें आगे ट्रांसफर करती है इनर एयर की तरफ। ओसिकल्स नेसेसरी होती है क्योंकि ये भी बोन है, बिकॉज जो मिडल एयर है वो फिल्ड होता है विद एयर के साथ, जिसकी लोअर डेंसिटी होती है
एंड द इनर एयर इज फिल्ड होता है विद वाटरी लिक्विड के साथ जिसकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है कि लो डेंसिटी किसकी होती है और हायर डेंसिटी किसकी होती है। अगर वाइब्रेशन पास करती है डायरेक्टली फ्रॉम द एयर से मिडिल एयर तक जाती है टू द लिक्विड इन द एयर इन द इनर एयर तक जाती है, तो इसमें लेस देन 1% ऑफ द वाइब्रेशन जो होगी वो ट्रांसमिट होगी। ये भी एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। द इनर एयर में जो मेन स्ट्रक्चर होता है इनर एयर का, उसे लिक्विड फील्ड कोकलिया कहा जाता है, जो कि स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, और यहाँ पर आप में डायग्राम में नजर भी आ रहा है। हेयर सेल्स में हमारे इनर हेयर सेल्स होते हैं या और आउटर हेयर सेल्स होते हैं, और द सीलिया जो है वो साउंड एक्ट को प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। अबाउट 3,500 इनर हेयर सेल्स होते हैं इसमें और 12,000 आउटर हेयर सेल्स होते हैं। द बेसिलर मेम्ब्रेन जो है वो सपोर्ट करती है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी एंड वाइब्रेट करती है रिस्पॉन्स टू द साउंड। अगर कोई साउंड आपको आती है तो उसका जो रिस्पॉन्स वाइब्रेट होता है वो बेसिलर मेम्ब्रेन का होता है जो कि कॉकलिया में होती है। द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एक्सटेंड ओवर द हेयर सेल, ये हमारे हेयर जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर उबर कर आई होती है, एक्सटेंड हुई होती है। नेक्स्ट हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी है कि फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बिहाइंड आवर परसेप्शन ऑफ पिच क्या है। परसेप्शन ऑफ द पिच क्लोजली लिंक्ड करती है टोन फ्रीक्वेंसी के साथ, और क्लासिकल रिसर्च जैसा कि गॉर्ज ने कहा, जो कि नोबेल प्राइज उन्होंने लिया फिजियोलॉजी में एंड मेडिसिन में 1971 में, उन्होंने रिसर्च की बहुत ज्यादा फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग पर। प्लेस थ्योरी ऑफ हेयरिंग की क्या होती है कि लो फ्रीक्वेंसी जो है वो कॉज करती है मैक्सिमम कैविटी इन द हेयर सेल एंड ऑडिटरी नर्व फाइबर्स में। हेयर सेल और ऑडिटरी नर्व फाइबर्स में लो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कैविटी का कॉज करती है, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कैविटी किसमें कॉज करती है, इन द हेयर सेल एंड ऑटरी मेम्ब्रेन में, लेकिन ये एट द बेस ऑफ द मेम्ब्रेन पर। हेयर सेल अलोंग द कोकलिया सेंड सिग्नल्स भेजती है टू द नर्व फाइबर्स की तरफ, जो कि फिर उसको कंबाइन करके आगे एक ऑडिटरी नर्व बनाते हैं। लो फ्रीक्वेंसी जो कि मैक्सिमम एक्टिविटी होती है एट द एपेक्स एंड ऑफ द कोकलिया, और हाई फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम कैविटी होती है एट द बेस पर। नेक्स्ट है हमारे पास के जो मेजरमेंट्स होती हैं ऑफ इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स ऑफ द कोकलिया की एंड द इंडिविजुअल हेयर सेल्स की एंड ऑडिटरी नर्व फाइबर्स की, और प्लेसिंग डिस्क इलेक्ट्रोड्स एट द डिफरेंट प्लेस इन अ डिफरेंट प्लेस पर जब आप रखते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द कोकलिया एंड मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। मतलब हम तो नहीं रखते ऐसा, मतलब रखी गई है, वो मेजर करती हैं फिर इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स को डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में। मोनोटोपिक मैप जो होता है वो क्या होता है कि एक ऑर्डरली मैप होता है फ्रीक्वेंसी का, जो कि अलोंग कोकलिया की लेंथ के साथ होता है, उसको मोनोटोपिक मैप कहा जाता है। आगे फ्रीक्वेंसी बताई हुई है, स्केल जो इसका जो स्केल इसमें यूज होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 किलोहर्ट्ज़ होती है, जो कि मेंशन की गई मेंशन की जाती है 1 किलो से, सॉरी 1 के हर्ट्ज़ से होती है, जो कि जिसे जब कन्वर्ट करते हैं हम तो वो 1,000 हर्ट्ज़ बनते हैं। हेयरिंग अकर इन द लाइट ग्रीन एरिया में, हेयरिंग जो होती है वो इन द लाइट ग्रीन एरिया में अकर होती है, जो कि ऑडिबिलिटी कर्व के दरमियान में होता है, और ये थ्रेशोल्ड फॉर हेयरिंग होता है, जबकि अपर कर्व जो है वो थ्रेशोल्ड फॉर फीलिंग होता है। तो ये भी एमसीक्यूज है। अकोस्टिक प्रिज्म एक लिंक होता है फ्रीक्वेंसी और जो एक्टिवेशंस होती हैं स्पेसिफिक प्लेसेस की उनके दरमियान अलोंग द बेसिलर मेम्ब्रेन, और वो वे जिसमें कैकलिया जो है कोकलिया सेपरेट हो रहा सेपरेट करती है फ्रीक्वेंसीज को अलोंग इट्स लेंथ के साथ, और डिस्क्राइब करती है एज एन अकोस्टिक प्रिज्म। वेव फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स टोन की कंसिस्ट 3 हार्मोनिक्स एंड बी इज बेसिलर मेम्ब्रेन, जिसमें हमारे फेज लॉकिंग आ जाती है, ये कुछ वेव चेंजिंग है जो कि प्रेशर में होती है, टेम्पोरल कोडिंग एंड द मेजरमेंट ऑफ द पैटर्न ऑफ फायरिंग, जिसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी अकर हो रही होती है वो 4,000 हर्ट्ज़ होती है। हेयरिंग लॉस में क्या क्या जो है वो आप कह सकते हैं कि काजेज होते हैं इसके, किस तरह होती है, आपके साउंड का ब्लॉकेज हो जाना फॉर द रिसर्च द रिसेप्टर, जिसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस भी कहा जाता है, या हेयर सेल्स का डैमेज हो जाना, या ऑडिटरी नर्व या ब्रेन का डैमेज हो जाना। हेयरिंग लॉस ड्यू टू डैमेज, हेयरिंग लॉस किस वजह से होती है कि आपके हेयर लॉस या ऑडिटरी नर्व या ब्रेन डैमेज हो जाता है, और इन तमाम इस इनके डैमेजेस को जो हो सकते हैं इनको सेंस हम क्या कहते हैं सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, और कोक्लियर ट्रांसप्लांट एंड न्यू टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज होती है। आगे फिर डायग्राम बताई हुई है ऑडिटरी पाथवे, जिसके अंदर सारा समझाया गया है, और इसमें बात हो रही है सोनिक एमजी की, जो कि वेरी फास्ट स्पोर्ट्स कार है। द थ्री स्ट्रक्चर बिटवीन द कोक्लियर न्यूक्लस एंड द ऑडिटरी कॉर्टेक्स, और वो थ्री कौन से हैं, SON,
सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लाई, आईसी इंफीरियर कोलिक्यूलस, एमजी मेडिकल जेनिक्यूलेट न्यूक्लस। व्हाट एंड वेयर स्ट्रीम्स जो कि आगे दिखाया जा रहा है, उन्होंने बताया हुआ है कि कहाँ पर टेम्पोरल लोब होगा, कहाँ पर फ्रंटल लोब होगा, और वो कैसे और किस तरह हमारे ऑडिटरी सिस्टम को प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर खत्म होता है लेक्चर टू, और यहाँ पर सिर्फ लेक्चर टू खत्म नहीं हो रहा, लेक्चर टू के साथ साथ आप लोगों का मिड टर्म का सिलेबस भी खत्म हो रहा है। मिड टर्म के सिलेबस में ज्यादा एमसीक्यूज होते हैं, अगर आप एमसीक्यूज ही अच्छे से कर लें तो मोस्टली होता है कि आप 30 में से 22-23 मार्क्स इजिली ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस मिड टर्म का सिलेबस में कोशिश भी किया कि ज्यादा एमसीक्यूज पर फोकस किया जाए। वैसे फोकस हमने सब चीजों पर किया, लेकिन हाईलाइटेड है ग्रीन कलर से एमसीक्यूज, अगर कोई रह गई हो मुझसे तो आप लोग खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग लेक्चर सुनने के बाद अपने लेक्चर को रिपीट लाजमी किया करें। तो मेरी दुआ है कि आप लोग का मिड टर्म बहुत अच्छा हो। आप काइंडली मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे भी कामयाब करे। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मैंने आप लोग के मिड टर्म के लिए आप लोग को थोड़ी सी भी मेरे लेक्चर की वजह से हेल्प हुई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।